Assalamualaikum, welcome to Student Tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लॉगरिदम एक्सरसाइज है 3.3 और आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि आज ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिदम्स इन टर्म ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए एंड लॉग ऑफ जेड टू द बेस ए. अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, इससे जो पहले की वीडियो है जिसमें मैंने रूल्स ऑफ लॉगरिदम बताए हैं, आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने उन रूल्स को समझा हुआ होगा तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में आसानी होगी. तो चलें आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा, लॉग ऑफ एक्स की पावर है 3, देन है वाई और इसके नीचे है, डिवाइड हो रहा है z की पावर 2 और जो बेस है हमारे पास वो है a. तो सॉल्व करते हैं इसे. सॉल्व करने के लिए आपको इस स्टेटमेंट को देखकर क्या लगता है, यानी कि यहाँ पर जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि log के बाद आने वाली जो वैल्यू होती है वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है. तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं डिवाइड. तो रूल में हमने पढ़ा था, जो रूल नंबर 2 था उसमें आर्ग्यूमेंट्स डिवाइड तब होते हैं जब log आपस में माइनस होते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जो log हैं वो आपस में माइनस होंगे. तो ये देखें किस तरह से होगा, log ऑफ, एक बार इसे यहाँ पर लिख लेंगे, 3y अपॉन z बेस है a इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे log बेस a आएगी, इसके बाद x की पावर y इस तरह आकर अब ये माइनस होगा, यानी कि नीचे वाला जो z है वो आएगा माइनस के बाद, यानी कि log ऑफ z की पावर 2 बेस है a. ठीक है, इतना आपने सॉल्व किया. अब फिर से इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि अब स्टेटमेंट क्या आई है. तो अब स्टेटमेंट में ये जो फर्स्ट है, यानी माइनस से पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या है, log ऑफ x की जो पावर है 3 है, देन है y ऑफ बेस टू द बेस ए है. ठीक है, अब यहाँ पर दो जो ये एक्स एंड वाई हैं वेरिएबल्स, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई कब होते हैं, ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, जब भी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका मतलब के दो लॉग आपस में हो रहे हैं प्लस. ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई का जो लॉग है वो आपस में प्लस होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स क्यूब to the base a plus log of y to the base a. अब माइनस में यही आएगा, log of z to raise power 2 to the base a. ठीक है, इसके बाद अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को देखें, तीनों log को देखें. तो ये जो तीनों log हैं इनमें से दो log रूल नंबर 3 की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि रूल नंबर 3 में आर्ग्यूमेंट के ऊपर होती है पावर और वो पावर आ जाती है लॉग के शुरू में, और बाकी जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो इसी तरह से रहता है, यानी कि बेस नंबर इसी तरह से रहता है और जो एक्सपोनेंट होता है वो आ जाता है शुरू में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस, ये इसी तरह रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पावर है तो 2 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ जेड टू द बेस ए. तो ये आ गया हमारा आंसर. बस आपको रूल्स को ध्यान में रखना है कि जब डिवाइड होगा तो लॉग क्या होता है, जब प्लस होगा तो लॉग में क्या चेंजेस आती हैं, और अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होगी तब क्या होता है. आप इस लेक्चर से पहले, मैं दोबारा कह रही हूँ, जो पिछला लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने लॉग्स के रूल बताए हैं, आप उसे ज़रूर देख लेना. अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी. उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.